हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है, किसको अप्लाई करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट है, ये कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ट्रिपल सी का मतलब है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, मतलब ये कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है जिससे पता चलता है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। इसके लिए क्या है कि आपको अप्लाई करना होता है और इसके बेनिफिट ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे कंप्यूटर की योग्यता मांगी जाती है, जहाँ पे कंप्यूटर आप जानते हैं, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 महीने का एक सर्टिफिकेट होता है जो कंप्यूटर के बारे में बताता है कि आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यूपी गवर्नमेंट में कंपलसरी है ट्रिपल सी कोर्स, और इसके अलावा आप यदि बैंक में क्लर्क की जॉब के लिए, कंप्यूटर ऑपरेशन जॉब के लिए अप्लाई करते, चाहे वो SBI क्लर्क हो, IBPS हो, RRB हो, RBI हो, सभी पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपको नॉलेज है, उसके कोई बेनिफिट नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए यदि आपको नॉलेज हो या ना हो। तो इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज बताएंगे। और अप्लाई करने का बहुत ही बेसिक सा इसका तरीका है, इसका फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे कैसे इसकी पेमेंट करते हैं और इसके एग्जाम शेड्यूल वगैरह कब होते हैं। तो जो इसको ट्रिपल सी कोर्स को है, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट कराता है, नीलेट। नीलेट की जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीलेट। काफी सिटी में आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, सारी डिटेल में जो बातें हैं हम वीडियो के बीच में करेंगे। गाइज, मैं हूँ विपिन तोमर, आप देख रहे हैं क्रेजी इन्फो। यदि हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा। यहां पर जाकर आपको टाइप कर देना है ट्रिपल सी, टाइप करके आपको एंटर प्रेस कर देना। तो हमारा सबसे पहले लिंक आता है student.nilet.gov.in, ये ऑफिशियल साइट है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो गाइस, नीलेट का जो होम पेज है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम राइट साइड में जाएंगे। यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। इससे पहले हम इसमें देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स है। तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी दिखा देता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास ये कोर्स है। IT लिटरेसी प्रोग्राम के तहत हमारे पास ये कोर्स है। तो जो हम कोर्स के बारे में बता रहे हैं, यह है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC के बारे में हम बताएंगे, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का हमें टाइम मिल जाता है, हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। सिंपली क्लिक करने के बाद हमारे पास इस टाइप का विंडो आता है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो कोर्स है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको क्या करना है, कैसे भरना है, इसकी डेट्स वगैरह कब रहती है, वो सारी चीजें मैं आपको बीच में बताता चलूंगा। इसको हम सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर टर्म्स कंडीशन है, डिक्लेरेशन है, इसको हम क्लिक करके आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस, ये हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है CCC का, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट ऑनलाइन आप इसको फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन आप इसको एग्जाम दे सकते हैं। आपको सिर्फ 590 रुपीज डिपोजिट करने होते हैं। दूसरा, इसको हम डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, उसमें कुछ हमें अमाउंट ज्यादा देनी पड़ती है, 4-5 हज़ार के आसपास देना पड़ता है। उसमें रेगुलर हमें क्लास लेनी पड़ती है, इसमें हमें कोई भी क्लास नहीं लेनी पड़ती है। इसमें हमें जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन भी मिल जाता है, और मैं भी बता दूं कहां से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके जो भी स्टडी मटेरियल है उसके बेस पे आप एग्जाम देके क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास कोई ऑनलाइन रेफरेंस नंबर है, जो हमारे पास नहीं है तो हम इसको नो पर ही रहने देंगे। 1.1 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पहले CCC परीक्षा के लिए आवेदन किया है, यदि किया है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो ही रहने दीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेंट्स की पर्सनल डिटेल। इसमें जो 2.1 है, एप्लीकेंट का फुल नेम लिखना है, उससे पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है मिस्टर या मिसिस जो भी है। उसके बाद उसका फुल नेम हमें राइट कर देना है और नेम इस हिसाब से राइट करना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। नेक्स्ट हमारा था 2.2, जिसमें केयर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन जहाँ भी आप रहते हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट फादर का नेम लिखना है, फादर का नेम भी आप लिखेंगे तो उस हिसाब से लिखेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद आप मदर्स का नेम इसमें राइट कर देंगे। इसके बाद जेंडर या ऑटो में सेलेक्ट कर लेगा, जो आपने मिस्टर सेलेक्ट किया है तो मेल आ जाएगा, यदि मिसिस सेलेक्ट किया है या मिस सेलेक्ट किया है तो आपको फीमेल आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में पूरा कैलेंडर आया, आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी कैटेगरी आती है, कैटेगरी में जनरल SC ST जो भी है आपकी कैटेगरी, वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशन में फिर आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन में आपका गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अदर्स में है, स्टूडेंट है, जो भी है आप उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी में यदि आप डिसेबल है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो ही रहने दीजिए। EWS यदि आर्थिक रूप से आप कमजोर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो ही रहने दीजिए। नेक्स्ट हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल है। कॉन्टैक्ट डिटेल में जो 3.1 है, फोन विद STD कोड, इसमें आपका STD कोड डालना है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का STD कोड है। यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है, यदि लैंडलाइन नंबर नहीं है तो ये डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट हमारा मोबाइल नंबर है, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारी ईमेल आईडी है, जो भी आपकी वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फोन नंबर और ईमेल आईडी डालते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी एक्टिव है वही डालिए, क्योंकि इसी पे आपका फ्यूचर कोरस्पोंडेंस होगा। नेक्स्ट हमारी एड्रेस डिटेल आती है। यहाँ पर आपको
आपका फुल एड्रेस डालना है, चाहे आपका हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है या विलेज पोस्ट जो भी है आपका, साथ में आपका सिटी का नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी डालना जरूरी है। इसके बाद हमारी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इसमें काफी सारे ऑप्शन देता है, ग्रेजुएशन और हायर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बिलो 10th, 10th पास, 12th पास, 10th पास प्लस ITI जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। साथ में ईयर ऑफ पासिंग भी आपको राइट करना है। नेक्स्ट हमारी आती है एग्जामिनेशन डिटेल। एग्जामिनेशन डिटेल में से सबसे फर्स्ट कॉलम है अप्लाइड एज, इसमें डायरेक्ट पे ऑलरेडी टिक है, आपको डायरेक्ट ही रखना है क्योंकि आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। यदि आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तब यहाँ पे इंस्टीट्यूट डाला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, इसमें आपको सेलेक्ट करना है एवरी मंथ एग्जाम साइकिल। नेक्स्ट हमारा एवरी मंथ एग्जाम साइकिल सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है उसमें हमें मार्च 2022 सेलेक्ट करना है, वो ऑलरेडी मार्च 2022 ही सेलेक्ट होगा क्योंकि हम जनवरी में फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, तो हमारा जो एग्जाम है ये मार्च के सेकंड वीक में होगा। साथ में यहाँ पे फी भी आ जाती है ₹590। गाइस फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस मंथ में भी आपको फॉर्म फिलअप करना है 30 से पहले फिलअप कर दीजिए और उसका एक मंथ छोड़ के उसके नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम रहता है। जैसे जनवरी में हम फिलअप कर रहे हैं तो हमारा एग्जाम मार्च सेकंड वीक में होगा, यदि हम फरवरी में करेंगे तो अप्रैल में होगा, मार्च में करेंगे तो मई में होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमें एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन सेलेक्ट करनी है, इसमें हमें दो लोकेशन देनी है। जो फर्स्ट वाली लोकेशन में हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट में है आप एग्जाम देना चाहते हैं, नीलेट के सेंटर सभी स्टेट में है, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन में हमारे पास यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, एक चंडीगढ़ में एक मोहाली में, मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा एग्जामिनेशन लोकेशन टू है उसके बाद फिर मैं इसको चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लूंगा, आप चाहे तो किसी दूसरा सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और लोकेशन में जो हमारा दूसरा सेंटर है मोहाली, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। गाइज नेक्स्ट हमारी आइडेंटिफिकेशन डिटेल है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर राइट करना है, इसके बाद आपको अपना फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। फोटो के लिए यदि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है उसका मोबाइल से आप क्लिक कर लीजिए, साथ में एक व्हाइट पेपर लीजिए उसके ऊपर आप अपना सिग्नेचर कर लीजिए, साथ में अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन कर लीजिए, उनके फोटो क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आपको इनको एडजस्ट करना है। जैसे फोटो वगैरह के लिए भी यहाँ पे देवा है कि जो इमेज है वो JPG और JPEG में होनी चाहिए, साथ में इसका जो फाइल साइज है वो 5KB to 50KB होना चाहिए, साथ में इसका विड्थ और हाइट दोनों दिया गया है, DPI भी दिया गया है, ऐसे ही सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन दिया गया है, इनको आप उस हिसाब से सेट कर लीजिए। यदि आपको सेट करना आता है तो बड़ी अच्छी बात है, यदि आपको सेट करना नहीं आता है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूं कैसे हम अपने फोटो को सिग्नेचर थंब इंप्रेशन को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। गाइज मैंने अपना फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को एडजस्ट करके रखा है अपने लैपटॉप में, आप ये फॉर्म लैपटॉप से फिलअप कर सकते हैं और मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चूज फाइल सेलेक्ट करना होगा, जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करते हैं आपका फोटो जहां पर भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको आप अपलोड कर देंगे। अभी हमारा फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, अभी सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे और जहां भी हमारा सिग्नेचर है हम उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो यह हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो हम इंप्रेशन है हम इसको चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम अपलोड कर देंगे, ये भी हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। इसके बाद नीचे हमारा कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट हम डिक्लेरेशन में टिक कर देंगे, नीचे हमारा सबमिट का टैब है हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस अभी हमारा पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर, फोटो, हमारी फुल डिटेल यहाँ पर रहती है। इसको आप अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप बैक जाकर इसको एडिट कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ओके है तो नीचे फाइनल सबमिट का हमें ऑप्शन मिलता है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। गाइस फाइनली हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर हमारी पेमेंट डिटेल के लिए बोला गया कि हमें ₹590 जमा करने हैं। पेमेंट ऑप्शन में हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, CSC, SPV, निफ्ट, RTGS और थर्ड जो है ऑनलाइन है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो मैं इसको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे हमारा पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाता है, हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। गाइज अभी हम पे गवर्नमेंट इंडिया की वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर हमें पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अदर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, साथ में इंटरनेट बैंकिंग से QR कोड या UPI जो भी आपके पास अवेलेबल है पेमेंट करने की सुविधा आप उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करूंगा, जैसे ही मैं इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद मेरे पास बैंकों की लिस्ट आती है। यहाँ पर मेरा जो बैंक है वो SBI बैंक है, तो मैं SBI को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं SBI को सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे हमारा मेक पेमेंट का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। पॉपअप विंडो पर हमारे ट्रांजेक्शन अमाउंट ₹590 हो जाता है, साथ में हमारी कन्वेंस फीस ₹10 लेगी और उसके ऊपर GST लेगा ₹1.80। तो जो टोटल अमाउंट है हमारे 601.80 हमें पेमेंट करनी होगी। तो जो हमें ऑप्शन मिलता है प्रोसीड विद पेमेंट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो हम नेक्स्ट विंडो पे आते हैं जो मेरी SBI की वेबसाइट है, यहां पर मुझे लॉगिन करना है। अभी मैं पेमेंट करने के बाद आपसे मिलता हूं। गाइज अभी मेरी जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुकी है, यहां पर ऑलरेडी डिस्प्ले भी हो गया है, जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है ये मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। गाइज अभी मैं दोबारा से नीलिटे
होम पेज पर आ चुका है। यहाँ पर राइट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में अपना रिजल्ट देख सकते हैं, और जो सर्टिफिकेट है जब आप पास कर जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है तो आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट विंडो पर आईटी लिटरेसी प्रोग्राम में कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर आप क्लिक कर देंगे, जो हमारी टर्म कंडीशन है इसके नीचे डिक्लेरेशन का फॉर्म है, क्लिक करके नीचे सबमिट का टैब पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल फिल आउट करनी है, यहाँ से हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए एग्जामिनेशन ईयर, एग्जामिनेशन नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा एंटर करना है हमें, और व्यू करके हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। यदि आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना है तो चेक फॉर्म स्टेटस पर हम क्लिक कर देंगे, जो कि राइट साइड में थर्ड ऑप्शन है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी डिटेल एंटर करनी होगी, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना पड़ेगा, साथ में हमारा डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी पड़ेगी, और जो कैप्चा कोड है उसको हम एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद नीचे व्यू का हमें टैब मिल जाता है, हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। गाइज, यहाँ पर हमें अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखने को मिलता है, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, साथ में जो हमारी पेमेंट है ये भी हमारी डिपॉजिट हो चुकी है, और हमारी एप्लीकेशन अंडर प्रोग्रेस है। गाइज, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। यदि कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।